हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वेब लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है, इस चैनल पे कंटिन्यू क्लास आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का चल रहा है। दोस्तों, साथ ही साथ यहां पे एसएससी का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोग एसएससी का जेई सीजीएल एलडीसी सीपीओ एमटीएस स्टेनोग्राफर जीडी ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। इसमें हम लोग ध्यान से देखिएगा, ये टारगेट कोर्स है जो कि आपका वर्ष 2019-20 में जो वैकेंसी आने वाला है, 19 में जो वैकेंसी आया हुआ है और 20 में आने वाला है, वो सभी का दोस्तों क्लासेज कंटिन्यू स्टार्ट हो गया है। बस डेली हैबिट बनाइए कि आप लोग 9 बजे डेली आपको नाइट में आना है दोस्तों लाइव, और ताकि सभी जो है डेली हम लोग 100 क्वेश्चन को देखते हैं और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। प्रत्येक वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन को देखते हैं और ये सभी क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं। ध्यान से देखिएगा, आज जो है ये एसएससी जेई टारगेट का दूसरा लेक्चर है दोस्तों। ऑलरेडी एक लेक्चर प्रोवाइड हो गया है, आज जो है कंप्यूटर का दूसरा लेक्चर है, कंप्यूटर का इसके बाद जो है एक लेक्चर और आएगा, ठीक है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, डिजाइन टूल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, डाटा इंटरप्रिटेशन, इससे रिलेटेड अक्सर एग्जामों में जितनी बार एसएससी में सभी क्वेश्चन पूछे गए, सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। जो नया स्टूडेंट है उन लोगों को बता दूं, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का भी सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया गया दोस्तों, एनटीपीसी ग्रुप डी का, और यहाँ पे एसएससी का भी जल्द ही सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, ठीक है। टारगेट कोर्स का जो सीरियस तरीका से गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके, ठीक है। सभी लोग साथ साथ में कमेंट करते चलिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दिख रहा होगा बायोस इजे, बायोस क्या है दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बायोस एक नॉन वोलेटाइल फर्मवेयर है, ठीक है, ये वोलेटाइल तो है नहीं दोस्तों। और क्या है, सॉफ्टवेयर स्टोर ऑन ए स्मॉल मेमोरी चिप ऑन मदरबोर्ड, बिल्कुल ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 1 और 3। बायोस क्या है, बायोस एक नॉन वोलेटाइल फर्मवेयर है एंड सॉफ्टवेयर स्टोर ऑन ए स्मॉल मेमोरी चिप ऑन मदरबोर्ड, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मेटा डाटा क्या है, मेटा डेटा क्या है, सब लोग कमेंट कीजिएगा, मेटा डेटा क्या है, मेटा डेटा इजे, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मेटा डेटा क्या है दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, मेटा डेटा एक डाटा अबाउट द डाटा, डेटा के बारे में, डेटा के बारे में जो है ये इंफॉर्मेशन देता है, ये मेटा डेटा उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर आर गिवेन थ्रू, कंप्यूटर को निर्देश किससे दिए जाते हैं, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, कंप्यूटर को निर्देश किससे दिए जाते हैं दोस्तों, इनपुट यूनिट से दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर आर गिवेन थ्रू इनपुट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज इट्स, एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसका क्या होता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज ए एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी, अत्यंत उच्च विश्वसनीयता होता है, ठीक है, एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, प्रोसेस डाटा इज नोन एज, ये सभी क्वेश्चन आपको करवाया गया, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, प्रोसेस डाटा इज नोन एज, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डाटा को इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सिस्टम रनिंग मोर देन वन प्रोसेस कंकरेंटली आर कॉल्ड, सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलने को क्या कहा जाता है, एक सिस्टम पे एट ए टाइम बहुत से यहाँ पे प्रक्रिया होते रहता, प्रोसेसिंग होते रहता है दोस्तों, उसे क्या बोला जाता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, उसे मल्टी प्रोसेसिंग बोला जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आईसी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है,
सब लोग कमेंट कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए, सीपीयू शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज, सीपीयू शेड्यूलर को किस नाम से जाना जाता है। सब लोग कमेंट कीजिएगा सीपीयू शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, सीपीयू शेड्यूलर को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेंथ नंबर क्वेश्चन, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में क्या होता है। सब लोग कमेंट कीजिएगा सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में क्या होता है। दोस्तों सीपीयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, रजिस्टर होता है एंड कंट्रोल यूनिट होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, टेल्स द कंप्यूटर मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हाउ टू रिस्पॉन्ड टू ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है, वो कौन बताता है। दोस्तों सब लोग कमेंट कीजिएगा, वो बताता है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये एएलयू जे पार्ट ऑफ कंप्यूटर, एएलयू कंप्यूटर के हिस्सा है, किसका हिस्सा है एएलयू आपसे पूछा जा रहा है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी बेसिक कंप्यूटर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर दिखने को मिलते हैं दोस्तों, इसलिए डेली हैबिट बनाइए। करेक्ट आंसर होगा एएलयू जे पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज प्रोसेसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल, हाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, प्रोसेसर, एएलयू जे पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज प्रोसेसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सभी को पता होगा निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों ये सीपीयू के जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है इन्हें कंप्यूटर व्हाट डज एएलयू स्टैंड फॉर, कंप्यूटर में एएलयू का विस्तार रूप क्या होता है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, एएलयू का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सब लोग कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन विच सिटी इन इज इंडिया फर्स्ट पोस्ट ऑफिस एटीएम ओपन, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया है, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द ऑफ ए कंप्यूटर, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द ऑफ ए कंप्यूटर, इसे क्या बोला जाता है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, उसे हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज ए कंप्यूटर आर डन बाय, एक कंप्यूटर के सभी अंक गणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है, वो किया जाता है एएलयू के द्वारा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, आईबीएम 701, आईबीएम 702, आईबीएम 650, 650 इज ये किसका एग्जाम्पल है, वो आपसे पूछा जा रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हु इन्वेंटेड पेंटियम चिप, पेंटियम चिप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। सब लोग कमेंट कीजिएगा, पेंटियम चिप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विरोध धाम। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पेंटियम चिप की बात हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार कौन किया है, टेलीफोन का आविष्कार कौन किया है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हु इन्वेंटेड ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया है, सब लोग कमेंट कीजिएगा, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जॉब हार्डसेन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर जॉब हार्डसेन के द्वारा ब्लूटूथ का आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड बाय जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में यूज किया गया था, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, सब लोग कमेंट कीजिएगा, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटिंग, गणना करने के जनक के रूप में किसे माना जाता है, करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स बैबेज। देख सकते हैं सेम क्वेश्चन को कैसे घुमा करके भी बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है अरिथोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय, अरिथोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, सब लोग कमेंट कीजिएगा, अरिथोमीटर इज इन्वेंटेड बाय, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स जेवियर थॉमस, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हु इज कॉल्ड एज मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स बैबेज को आधुनिक कंप्यूटर के जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर विच प्रूव्ड टू द प्रोटोटाइप फॉर फ्यूचर कंप्यूटर, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के लिए कंप्यूटर के लिए प्रकृति सिद्ध हुआ, सब लोग कमेंट कीजिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, CDC 6600। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है व्हाट डिड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था, फर्स्ट जनरेशन में क्या था दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर का निवेश साधन नहीं है, विच इज नॉट इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, करेक्ट आंसर होगा मोनिटर, क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ, डॉट मैट्रिक्स किसका एग्जाम्पल है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ, डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का टाइप है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, सब लोग कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा प्लॉटर, प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं होता है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन एम आई सी आर व्हाट डज आई स्टैंड फॉर, एम आई सी आर में आई का मतलब क्या होता है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, आई का मतलब सी आई इंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मॉडिफायर की, निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधक बटन यानी मॉडिफायर की है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मॉडिफायर की कंट्रोल शिफ्ट अल्ट सभी क्या है दोस्तों, मॉडिफायर की है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डगलस एंजेलबर्ड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 1 बिलियन बाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, 1 बिलियन बाइट किसके लगभग बराबर होता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 1 बिलियन बाइट इज इक्वल टू, 1 बिलियन बाइट किसके इक्वल होता है, सब लोग कमेंट कीजिएगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गीगाबाइट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, रजिस्टर आर हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट सिचुएटेड इन द, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ये किसमें होता है दोस्तों, सीपीयू में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म, द्वितीय संग्रह उपकरण केवल डाटा संग्रहित कर सकते हैं परंतु वह किसको नहीं कर सकते, वो आपसे पूछा जा रहा है। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, फेच ऑपरेशन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है, बाकी ये सब काम इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिएगा। और जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, क्योंकि आप लोग का एक लाइक ही हम लोग को मोटिवेट करता है दोस्तों बेहतर स्टडी मटेरियल देने के लिए। इसलिए लाइक शेयर करने में कमी नहीं कीजिए, क्योंकि लाइक शेयर कीजिएगा तभी हम लोग अच्छे लेवल का और भी कोशिश करेंगे मटेरियल देने के लिए। लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रोम क्या है दोस्तों, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले संग्रहण उपकरण है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड पंच टेप, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोबाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ग्रुप ऑफ 4 बिट इज इक्वल टू, बिट का एक समूह क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ 4 बिट फॉर्म ए निवल, उसको निवल बोला जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वीवीआई करके रट लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मनी जीबी इज इक्वल टू 1 टीबी, हाउ मनी जीबी इज इक्वल टू 1 टीबी, 1 टीबी के बराबर कितने जीबी होते हैं, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा 1024, हाउ मनी 1 टीबी के बराबर 1024 जीबी होते हैं, गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वट इज द नेम ऑफ मेमोरी बफर यूज टू एकोमोडेट ए स्पीड डिफरेंशियल, गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहा जाता है, उस बफर को कैश बोला जाता है, कैश मेमोरी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन आईटी द मेन थर्ड फॉर अपडेटिंग द मेन मेमोरी एज सून एज वर्ड इज रिमूव फ्रॉम द कैच इज कॉल्ड. कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहा जाता है. उस प्रोसेस को राइट बैक बोला जाता है. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है. इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम द प्रोटोकॉल एंड लोड देम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन. ये किसका काम होता है. सब लोग कमेंट कीजिएगा. 66 नंबर क्वेश्चन. इन ए कंप्यूटर प्रोसेसिंग जॉब शेड्यूलर सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम द पूल एंड लोड देम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन. ये किसका जॉब शेड्यूलर का काम होता है. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएटिव मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड. सब लोग कमेंट कीजिएगा. सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी का क्या कहा जाता है. उसे क्या बोला जाता है. उसे कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी बोला जाता है. कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. फिल इन द ब्लैंक्स इन्वॉल्व ट्रेवर्सिंग द इंटायर फाइल सिस्टम मार्किंग एवरीथिंग दैट कैन बी एक्सेस्ड. निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जाता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना होता है. ये किसका काम होता है दोस्तों. सब लोग कमेंट कीजिएगा. ये काम होता है कचरा एकत्रीकरण यानी गार्बेज कलेक्शन. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. विच सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा. एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है. विच सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा. सब लोग कमेंट कीजिएगा. करेक्ट आंसर होगा ये होगा फ्लिप फ्लॉप का काम है. ठीक है. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों. फ्लिप फ्लॉप सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. क्वेश्चन है वन स्ट्रेटजी ऑफ एलोकेटिंग कर्नल मेमोरी इज नोन एज. आपसे पूछा जाए कर्नल मेमोरी के आवंटन की एक नीति को क्या कहते हैं. उसे क्या बोला जाता है दोस्तों. उसे स्लैब एलोकेशन बोला जाता है. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा स्लैब एलोकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. Which of the following is a volatile memory of a computer? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है. वोलाटाइल मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कौन है दोस्तों. सब लोग कमेंट कीजिएगा. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वो रोम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. फिल इन द ब्लैंक्स इज ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर व्हिच स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू इंक्रीज द जनरल स्पीड ऑफ ए सिस्टम. ये किसका काम होता है. एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की समान गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है. ये किसका काम होता है दोस्तों. ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम होता है. रैम का काम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ये किसका एग्जांपल है. सब लोग कमेंट कीजिएगा. ये जो है फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल है. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ मेनी गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट. हाउ मेनी गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट. कितने गीगाबाइट बराबर 1 पेटाबाइट होता है. करेक्ट आंसर होगा 1024 × 1024. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. ए गीगाबाइट इज इक्वल टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. ए गीगाबाइट इनमें से किसको छोड़ करके सब बाकी सबके इक्वल है. सब लोग कमेंट कीजिएगा. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रिलियन बाइट. ठीक है. और इसको छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट. 1 टेराबाइट में कितना मेगाबाइट होता है. करेक्ट आंसर होगा 1024 × 1024. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए वर्ड लेंथ इज इक्वल टू. किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई को क्या कहा जाता है. किसी शब्द की लंबाई की माप के इकाई को क्या बोला जाता है. उसे बोला जाता है दोस्तों बाइट बोला जाता है. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. हाउ मेनी केबी इज इक्वल टू 1 जीबी. सभी जो है अक्सर करवाया गया है इस चैनल पे.
कन्वेंशन। और 81 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1024 × 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, रोम इज ए कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर, रोम का मतलब क्या होता है? चलो कमेंट कीजिएगा। रीड क्या 82, हाँ रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है डिस्क इंक्रिप्शन इज ए टेक्नोलॉजी वेयर डेटा इज इंक्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज। चलो कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ये होल डिस्क इंस्क्रिप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। होल डिस्क इंक्रिप्शन इज ए टेक्नोलॉजी वेयर डाटा इज इंक्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स HDD इज ए टेक्नोलॉजी वेयर द कन्वेंशनल डिस्क ड्राइव इज कंबाइंड विथ नॉन वोलाटाइल फ्लैश मेमोरी ऑफ टाइपिकली 128 MB और मोर टू कैच डाटा ड्यूरिंग नॉर्मल यूज। सब लोग कमेंट कीजिएगा। HDD बोल रहा है दोस्तों, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डाटा स्ट्रक्चर परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट रोल, निम्नलिखित में से किसमें डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा प्रोग्राम डिजाइन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एन एग्जाम्पल ऑफ ए मैथमेटिकल फंक्शन इज स्ट्रक्चर क्वायरी लैंग्वेज SQL इज। करेक्ट आंसर होगा COS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंपनी डेवलप्ड जावा, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? चलो कमेंट कीजिएगा, जावा को कौन सी कंपनी ने विकसित किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सन माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय जेम्स ए घोसलिंग, जेम्स ए घोसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया था? जेम्स ए घोसलिंग द्वारा कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंपनी डेवलप्ड स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस कंपनी ने विकसित किया था? स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस कंपनी ने विकसित किया था? वो था एप्पल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हु इन्वेंटेड जावा स्क्रिप्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो रहा है दोस्तों, ये ब्रेडेन इक ने किया था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू एसेस डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस, एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच कंपनी डेवलप्ड हैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस कंपनी ने विकसित किया था? हैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस कंपनी ने विकसित किया था? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फेसबुक, हैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फेसबुक के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाज कौन सा था दोस्तों, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सा था? इसी क्वेश्चन को भी VBA लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा फोर्टन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स परफॉर्म टास्क सच एज इंट्रैक्टिंग अपडेटिंग और डिलीटिंग डाटा अक्रेंस। सब लोग कमेंट कीजिएगा, ये किसका काम है दोस्तों? ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का काम है, ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज परफॉर्म टास्क सच एज
इंसर्टिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग डाटा अक्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेनिस रिट्ची। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, डेनिस रिट्ची। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, थोड़ा सा यहां पे क्लियर दिख नहीं रहा दोस्तों। ए कंप्यूटर लैंग्वेज दैट एक्सप्रेस द प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट सच एज सीएसएस इज कॉल्ड, सीएसएस को क्या बोला जाता है दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा स्टाइल शीट लैंग्वेज, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 100 नंबर क्वेश्चन, अलाउ सर्चिंग ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग डिराइव इंफॉर्मेशन, ये किसका काम होता है दोस्तों? सिंबल काउंट कीजिएगा, ये क्वेरी लैंग्वेज का काम होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्वेरी लैंग्वेज अलाउ सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग डिराइव इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ए लैंग्वेज यूज टू कंट्रोल द टास्क ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ सच एज स्टार्टिंग ऑर्डर प्रोग्रामिंग इज, उसे क्या बोला जाता है? उसे दोस्तों कमांड लैंग्वेज बोला जाता है। ए लैंग्वेज यूज टू कंट्रोल द टास्क ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ सच एज स्टार्टिंग अदर प्रोग्राम इज कॉल्ड कमांड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है ए फॉर्मल लैंग्वेज यूज टू एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफन फॉर यूज इन कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन इज, एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली में डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मॉडलिंग लैंग्वेज बोला जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फिल इन द ब्लैंक्स डिफाइन डाटा टाइप एंड द रिलेशनशिप अमंग देम, डेटा प्रकार और उसके बीच के संबंध को परिभाषित करता है वो कौन करता है? वो डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज करता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है इज ए ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज स्टैंडर्ड, एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज स्टैंडर्ड कौन है दोस्तों? वो है OQL। ठीक है, OQL है ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और OQL का फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 105 नंबर क्वेश्चन, कॉमनली यूज एब्रीविएशन SQL इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर, SQL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय ए कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज, क्या होगा? ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सिंटैक्स एरर आर डिटरमाइंड बाय, सिंटैक्स एरर को ज्ञात किया जाता है किसमें? करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट में सिंटैक्स एरर आर डिटरमाइंड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज ए लैंग्वेज फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर द रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए डेटाबेस, डेटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? वहां पे क्वेरी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 109 नंबर क्वेश्चन, सी प्लस प्लस इजे, सी प्लस प्लस क्या है दोस्तों? सब लोग कौन कीजिएगा, सी प्लस प्लस इजे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अमंग द थ्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा इफ कथन के तीन अलग अलग प्रकारों में से नहीं है? करेक्ट आंसर होगा इफ एंड, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फिल इन द ब्लैंक्स डिफाइन डाटा टाइप एंड द रिलेशनशिप अमंग द, डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है वो किसका काम होता है? ये डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज का काम होता है, DDL का काम होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनरी नंबर, ये सभी करवाया गया अच्छे लेवल के इस चैनल पे, चलो कमेंट कीजिएगा, जो रेगुलर व्यूअर होंगे उनको पता होगा। करेक्ट आंसर होगा ये जो है दोस्तों जीरो एंड वन से व्यक्त किया जाता है बाइनरी नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर का बेस क्या होता है, 8 होता है, सभी को पता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच सिस्टम इज यूज टू द यूज बाय द डिजिटल कंप्यूटर टू इनकोड डाटा एंड प्रोग्राम, अंकीय संगणक द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, वहां पे बाइनरी सिस्टम का यूज किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है प्रोग्राम दैट डुप्लीकेट द फंक्शनैलिटी ऑफ वन सिस्टम वन ऑन अनदर सिस्टम इज नोन एज, उसे क्या बोला जाता है, एक एम्यूलेटर बोला जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, प्रोग्राम दैट डुप्लीकेट द फंक्शनैलिटी ऑफ वन सिस्टम ऑन अनदर सिस्टम इज नोन एज एम्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है, उसे असेंबलर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, असेंबलर। द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर आइडेंटिफाइड बाय द कंप्यूटर, निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान किया जाता है, सोलो कौन कीजिएगा, ये लॉजिकल एरर को पहचान किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर आइडेंटिफाइड बाय द कंप्यूटर, वो लॉजिकल एरर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कॉन्स्टेंटली रनिंग सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस आर नोन एज, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसे डीमेन बोला जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, डीमेन उसको बोला जाता है, कॉन्स्टेंटली रनिंग सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस आर नोन एज डीमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, पिक द ऑड वन आउट, निम्नलिखित में से बीमेल शब्द को पहचानिए, ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसर। ये सभी क्या है, एक चीज से कन्वर्ट करते हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर, बाकी वर्ड प्रोसेसर एक प्रोसेसिंग का पार्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे कंपाइलर जो है, कंपाइलर को पता ही है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है दोस्तों। एंड इंटरप्रेटर क्या होता है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो कि एक कंपाइलर की तरह ही ये कार्य करता है, परंतु कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मुख्य अंतर ये है कि कंपाइलर एक ही समय में ये काम को पूरा कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ये जो है कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर पे आइए, विच ऑफ दिज इज ए कंपोनेंट ऑफ ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का कौन सा कंपोनेंट है वो आपसे पूछा जा रहा है, वो है दोस्तों स्लाइड है। ठीक है, स्लाइड, सो अगर आप लोगों ने प्रेजेंटेशन यहाँ पे पीपीटी बनाए होंगे दोस्तों तो वहां पे देखे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट टूल्स है दोस्तों उसमें अगर पीपीटी बनाए होंगे तो वहां पे स्लाइड्स वगैरह ऑप्शन रहता है। आशा करता हूं दोस्तों कि आज आप लोगों के लिए जो सेशन मैं आपको प्रोवाइड कराया हूं, इस सेशन से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे हर जगह शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट हो सके दोस्तों। और जो सीरियस तरीका से गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।